पृथ्वीत्वयांधता लोका देवित्वं विष्णुना घृता त्वं च धारये मां देवी पवित्रं कुरु चाशनम। मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से और कौन से आसन पर बैठ करके हमको किस प्रकार के प्रभावों की प्राप्ति होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऊनी आसन की। ऊन के बने हुए आसन पर बैठ करके जब हम पूजा करते हैं, जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं, तो हमको समस्त प्रकार का ज्ञान और सिद्धियां और सौभाग्यदायक आसन होता है ऊन का आसन। दूसरा आसन होता है जिस पे ऋषि मुनि जंगलों में बैठकर के तप किया करते थे, उसको कहते हैं मृगचर्म, ब्राह्मचर्म, इस तरह का आसन। इस तरह के आसन से बैठकर के आसन पर पूजन करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। वही तो संत और महापुरुषों को सिद्धियां प्राप्त हुआ करती थी जंगलों में रह करके, जब वो उन आसनों पर बैठ करके जप किया करते थे, तप किया करते थे, उनको हम सिद्धियां प्राप्त हुआ करती थी। तीसरी बात करते हैं हम ब्राह्मचर्म के आसन पर बैठ करके जप करने की, तप करने की, तो उससे क्या प्राप्त होता है? उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। चौथा आसन आता है रेशम का आसन। रेशम के आसन पर बैठकर के कौन सी फल की प्राप्ति होती है? बोले रेशम के आसन पर बैठकर के अनुष्ठान करने से रेशम का आसन पुष्टिदाता होता है, पुष्टियों को देने वाला होता है। इसी तरह से कंबल के आसन पर बैठकर के जब हम अनुष्ठान करते हैं, तो कंबल के आसन पर अनुष्ठान करने से समस्त प्रकार की सिद्धियां, ऊनी वस्त्र है कंबल, उस पे समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। दोस्तों, एक बात आपको बताऊं, बहुत से सज्जन क्या करते हैं, ऐसे ही जमीन पर बैठ जाते हैं बिना आसन बिछाए और वहां पर पूजन करने लगते हैं। जो इस तरह से कर्मों को अभी तक करते हैं, ध्यान देना, वह इस कर्म को छोड़ दें, वरना बीमारियों से आप ग्रसित हो जाएंगे, आपको बीमारियां पकड़ करके रखेंगी। पत्थर के आसन पर बैठ करके आपको पूजन नहीं करना है, धरती पर ऐसे भी बैठ करके आपको पूजन नहीं करना है, ये दोनों रोग देने वाले हैं, रोग को दे सकते हैं। पत्तों के आसन पर बैठ करके बहुत से लोग पत्ते बिछा करके उस पर अपना आसन लगा करके बैठ जाते हैं, उनको यह पत्तों का जो आसन है यह चित्त में विक्षेप ला देता है, मन उनका स्थिर नहीं रहता है, इधर उधर भटकाव बना रहता है। तिनकों का आसन उस पर बैठ जाते हैं, यश मान सम्मान में उनकी निकृष्टता आने लगती है, कष्ट समस्याएं होने लगती हैं। इसी तरह से एक लाल रंग के आसन का भी विधान कहते हैं कि जो लाल रंग का आसन होता है, उस लाल रंग के आसन पर बैठ करके हमको क्या प्राप्त होता है? बोले अनेक संत महापुरुष जो तंत्र क्रियाओं को करते हैं, तांत्रिक क्रियाओं को करते हैं, तंत्र की साधना को करते हैं, तंत्र के मंत्रों को करते हैं, उस लाल रेशमी वस्त्र के ऊपर बैठ करके जब तंत्र क्रियाओं को करते हैं, तो रेशमी आसन, लाल रेशमी आसन पे बैठ करके तंत्र की सिद्धि होती है, तंत्र की देवी प्रसन्न होती हैं, तंत्र प्राप्त होता है, और ताल पत्र के आसन पर बैठ करके शुभता प्राप्त होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। कुशासन सबसे बढ़िया, तो कुशा का आसन होता है, उस कुशा के आसन को बिछा करके और उस पे बैठने से समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, ज्ञान प्राप्त होता है। ऋषि मुनि संत महापुरुष जो छोटे छोटे से बच्चे गुरुकुल में बैठते थे, वह गुरुकुल में बैठने वाले बच्चे प्रातःकाल 4 बजे उठ करके जब संध्या वंदन करते थे, मध्यान्ह की जब संध्या करते थे, सायंकालीन संध्या करते थे, आसन पर बैठते थे, कौन सा आसन? कुश के आसन पर, और कुश के आसन पर बैठने से उनकी बुद्धि तीव्रता की ओर प्राप्त होती थी, उनको आनंद की अनुभूति होती थी, पढ़ने में मन लगता था। और आज भी हम जब कोई पूजन इत्यादि करते हैं तो कुश का ही आसन प्रयोग में लेते हैं, कुश का आसन समस्त प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है, मन की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है, मन के विकारों का हरण करने वाला, ये कुश के आसन का विधान है। और कपड़े के आसन पर बैठ करके कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए, इसको करने से जब तप की हानि होती है और हमारे जीवन में विपत्तियों का प्रवेश हो जाता है। कपड़े के आसन पर बैठ करके हमको पूजा नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार। जय माता दी, जय माँ गंगे।